जय सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्टल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीसीआई से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे जीपैट, नाइपर, सीयूईटी, पीजी आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जेएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय धूंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। रोटरी क्लब द्वारा देश में किए गए सराहनीय कार्यों का बखान करने के साथ कौन से नए कार्यों को करने के आह्वान के साथ रोटरी क्लब का 68वां शपथ ग्रहण समारोह सीतापुर के जीके ग्रैंड में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर डीएन मालपानी पधारे। रोटरी क्लब की नई कार्यकारिणी में किसको क्या जिम्मेदारी मिली या हम आपको बताएं, इससे पहले जान लेते हैं कि बनारस में हुए अवार्ड फंक्शन में रोटरी क्लब को प्रेसिडेंट गोल्ड, सेक्रेटरी गोल्ड, क्लब गोल्ड के अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें पूर्व सहायक मंडलाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गुप्ता को असिस्टेंट गवर्नर गोल्ड का पुरस्कार मिला। बनारस मंडल में रोटरी क्लब सीतापुर को 8 पुरस्कार दिए गए। इसी तरह से डॉक्टर तरुण सहगल को बेस्ट गोल्ड प्रेसिडेंट और तुषार रस्तोगी को बेस्ट सेक्रेटरी के पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद सीतापुर में 68वां शपथ समारोह कार्यक्रम शनिवार की रात आयोजित किया गया, जिसमें तुषार रस्तोगी को अध्यक्ष पद, अमन कृष्णा को सचिव, प्रवीण रस्तोगी को कोषाध्यक्ष के पद की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर डीएन मालपानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रोटरी क्लब में 4 अन्य नए सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई, जिनमें डॉक्टर जीएल दीक्षित, नीरज अग्निहोत्री, प्रियदर्शन मेहरोत्रा, प्रवीण रस्तोगी शामिल रहे। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद आई इंडिया एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंगौर, वरिष्ठ पत्रकार नीरज श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन मिश्रा, पत्रकार हरिओम अवस्थी, नमन अवस्थी, महेंद्र अग्रवाल, छायाकार योगेश श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों में पूर्व सहायक मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, रवि रतन, हरीश शाह, सुनील मेहरोत्रा, डॉक्टर जीएल दीक्षित, डॉक्टर प्रमोद धवन, गोपाल चंदानी, भरत कुकरेजा, राजनारायण सहगल, मनोज मेहरोत्रा, डॉक्टर तरुण सहगल, डॉक्टर अभिषेक भारती, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी, सुजीत श्रीवास्तव, मनोज मेहरोत्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर डी एन मालपानी, नव मनोनीत अध्यक्ष तुषार रस्तोगी, सचिव अमन कृष्णा से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंगौर ने खास बातचीत कर जाना कि देश में पोलियो उन्मूलन में महती भूमिका का निर्वहन करने वाला रोटरी क्लब अब क्या कुछ नया करने जा रहा है, नई कार्यकारिणी का दायित्व पाने के बाद नए पदाधिकारी क्या करेंगे। रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर डी एन मालपानी जी सीतापुर पहुंचे हैं। रोटरी क्लब को लेकर जो कार्य हैं आपके, आज आप उसका बखान कर रहे थे और कुछ चीज़ों में आपने बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है, उन उपलब्धियों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे और साथ में आने वाले समय में जो रोटरी की तरफ से आपने आह्वान किया है कि इन कार्यों को अगर आप लोग करते हैं तो एक समाज में अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, रोटरी क्लब की स्थापना 1905 में न्यूयॉर्क में 3 मित्रों के बीच हुई थी। उनका पहले उद्देश्य केवल फेलोशिप था, लेकिन उनको लगा कि अगर कोई इनकम कर रहे हैं तो किस प्रकार से उसको समाज के कार्य में लेके आए। रोटरी क्लब इंटरनेशनल लेवल पे बताया मैंने 220 से अधिक देशों में इस वक्त है, 12 लाख से इसके अधिक मेंबर हैं और सर्वाधिक संख्या मेंबर्स के हमारे भारत में ही इस वक्त है। रोटरी क्लब ने 2-3 बड़े काम किए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका अचीवमेंट था पोलियो का जो इरेडिकेशन हुआ पूरे वर्ल्ड से, उसमें रोटरी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। रोटरी लगातार सेवा कार्य करता रहता है। रोटरी के हॉस्पिटल चल रहे हैं, डायलिसिस सेंटर चल रहे हैं, मेडिकल कैंप चल रहे हैं और अभी रोटरी ने एक बड़ा संकल्प फिर लिया भारत के लिए कि भारत का जो, अब बच्चे तो कोई अशिक्षित है नहीं, लेकिन जो एडल्ट है तो एडल्ट लिटरेसी रेट 100% लेके आना चाहते हैं, उसके बारे में स्कीम चल रही है। लखीमपुर में इस वक्त
100 लिटरेसी कैंप का आयोजन होना है, जिसमें 30 हो चुके हैं, 70 होना बाकी है। हर विधानसभा क्षेत्र में आपके 20 लिटरेसी कैंप लगने हैं, और एक लिटरेसी कैंप में 100 से 120 व्यक्ति होते हैं। तो साक्षरता अभियान चल रहा है हमारा इस वक्त है। सबसे ऊपर जब हमने बताया था अभी आपको कि तरु छाया माना जाए कि पूरे विश्व में पर्यावरण में संकट आ रहा है, उसकी वजह से असंतुलन हो रहा है। तो हम लोग दोनों चीज़ है कि हमारे कहा गया कि हमको पौधरोपण करना है, प्लांट करना है, लेकिन प्लांट के साथ साथ संरक्षण बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स में प्लांट लगते हैं आप सुनते हैं 5 करोड़ लगे, 4 करोड़ लगे, उसमें पौधे चल नहीं पाते। तो पौधे जितने लगे चलें, और साथ में हम लोगों ने आह्वान किया कि प्रत्येक मेंबर एक या दो पौधे को गोद ले ले तो आराम से वो चल सकते हैं। इसके अलावा हमारे लगातार मेडिकल कैंप चलते रहते हैं। और बता दूं कि इस बार मैंने एक प्रोग्राम भी बताया था जो कुंभ लगने वाला है डिस्ट्रिक्ट 3120 में जनवरी से लेकर मार्च तक, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल ईयर जनवरी से लेकर जनवरी से मार्च तक हम अपना मेडिकल कैंप चलाएंगे, और उसमें हम ये आपके कैटरेक्ट के ऑपरेशन और कुछ चीज़ों का ऑपरेशन करवाएंगे। वो हमारा अभी स्कीम बन रही है, तो हमें लग रहा है कि 3 महीने पूरा हमारा मेडिकल कैंप वहाँ पे चलेगा। जगह फाइनल हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं सरकार से, उसके बिना अभी स्कीम घोषणा नहीं कर सकते। ये माना जाए कि कुंभ में एक बड़ा योगदान देने के लिए रोटरी क्लब तैयार हो रहा है। नहीं, कुंभ में नहीं, हम मतलब मरीजों की सेवा कुल मिला के उसी में एक आहूत देगा ना। हाँ, वो हम लोगों का उद्देश्य है, पार्ट है ना, एक पार्ट है, लेकिन चूंकि अभी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो पाई है तो उसके बारे में ज़्यादा मैं अभी विवरण नहीं देना उचित समझूंगा। अच्छा, रोटरी को लेकर ये माना जाता है कि जो इसकी सदस्यता है थोड़ी टिपिकल है, कठिन होती है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं तब सदस्य बनाए जाते हैं, तो लोग जुड़ना चाहें क्या बताना चाहेंगे उनके लिए क्या करें वो? नहीं, लोग जुड़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन कमेटी होती है हमारे यहाँ, पहले वो देती कि किस स्टेट में, जैसे कि आप हैं तो आप पेट्रोल पंप रिटेल पेट्रोल में आ गए, जैसे मैं हूँ हायर एजुकेशन में आ गया हूँ, तो क्लासिफिकेशन होता है। और क्लासिफिकेशन कमेटी का पावर है कि वो नया क्लासिफिकेशन भी, अब पहले बड़ा इजी, पहले टफ था, लेकिन अब उन्होंने इजी कर दिया कि एक नया क्लासिफिकेशन भी बना सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन सामान्यता 5 सदस्य एक क्लासिफिकेशन के हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हम चेंज करके और 5 सदस्य ले सकते हैं। तो मेंबरशिप में मेन चीज़ है कि बस ये देखते हैं कि वो सोसाइटी के लिए उसका उद्देश्य क्या है, वो अपने नाम के लिए आ रहा है कि समाज की सेवा के लिए आ रहा है। अगर समाज सेवा के लिए आता तो एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, तय करती है। और साथ में ये भी होता है कि जो हमारे वर्तमान सदस्य हैं उन सदस्यों में से किसी सदस्य को उस व्यक्ति के नाम पे आपत्ति ना हो, थोड़ा सा स्क्रीनिंग कमेटी है जिससे कि कोई ऐसा व्यक्ति ना पाए मेंबर बन के जो कि हमारे रोटरी की छवि को ख़राब करे। सीतापुर में 68वें जिला प्रेसिडेंट की घोषणा हुई है, कौन बना है नया प्रेसिडेंट और इसका चयन कैसे होता है? अब अलग अलग प्रक्रिया होती है, सामान्यतः हमारा रोटेशन चलता है और सर्वसम्मति से होता है। हम लोगों के यहाँ रोटरी क्लब में, मुझे ध्यान नहीं, मतलब जब से मैं हूँ कहीं पे भी इलेक्शन नहीं होता, सर्वसम्मति से होता है। और चूँकि अब क्या जो हमारी टीम चुनी गई सीतापुर की, काफ़ी डायनामिक चुनी गई, हमारे सचिव महोदय तो काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, और जो हमारे हाँ नहीं वो ठीक रहे, और तुषार जी चूँकि काफ़ी उत्साहित लग रहा है, मुझे लग रहा है, और इनको जैसे अब टीम चलाएंगे साथ वो ध्यान रखिएगा। लेकिन लीडर ही टीम को मोटिवेट करता है, तो दोनों लीडर्स हमारे मैं देख रहा हूँ डायनामिक हैं और उत्साहित हैं। और मेरा मानना है कि जब आप एक किसी अच्छे लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दिया असिस्टेंट गवर्नर ने, लेकिन जो नई टीम गठित हुई है उसके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं तुषार रस्तोगी, आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकताएं पहला तो पर्यावरण है, दूसरा हम नए मेंबर्स को और जोड़ेंगे ताकि टीम और रोटरी क्लब का फैलाव हो सके कम से कम, और भी क्षेत्र हैं समाज में, जैसे जो एक यहाँ द्रोण दीदी हैं जो अभी मोदी जी ने उसको मन की बात में वो आई थी, और हमने रोटरी में उनको उनका यहाँ बुलाया भी था हमने, तो उनको ये लगता है कि जैसे उनको कई जगह बुलाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी यहाँ गई हैं, लेकिन तब भी वो अभी थोड़ा वो चाहती है कि हमको उनको मोटिवेशन और ज़रूरत है, तो हम उनके क्षेत्र हमने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है, उनके जो बच्चे हैं LPS में वो पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उनका फीस जो है उनकी निःशुल्क कर दें हम, तो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, और ज़्यादा ब्लड डोनेशन कराएँ बैठ, तो बाकी रोटरी तो हम समझते हैं सही माने कि एक संस्था ऐसी जो वास्तव में सेवा करती है, और बाकी तो मालपाई साहब ने बहुत कुछ बताया जो भी है, और हम ये समझते हैं कि इसमें और भी लोगों को जोड़ेंगे हम ताकि समाज में लोग कम से कम जो है भगवान ने हमको इस योग बनाया है तो हम भी आगे उसको दे पाए। हम देखिए समाज में सच्ची सेवा करती है रोटरी, ये कहना है नए प्रेसिडेंट का, और सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं अमन कृष्णा,
पूरी टीम के बारे में बताइए कि आज जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है उसमें कौन कौन आपकी टीम में है। उसमें करीब 17-18 लोग की हमारी टीम बनती है। उसमें मेजर रूप से हम तो कहेंगे सभी मेजर हैं उसमें। हम लोग ने हमेशा तुषार साहनी जी का बड़ा सहयोग लिया है और जब ये अध्यक्ष रहे इन्होंने मुझे अपना सेक्रेटरी भी बनाया था। इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। इसके अलावा रवि भैया हैं, हरीश शाह जी हैं, सुनील मेहरोत्रा जी हैं, डॉक्टर धवन साहब हैं, इसके अलावा सुनील वैश जी हैं, गोपाल चंदानी जी हैं, तरुण भैया हैं, डॉक्टर तरुण सहगल जो हमारे IPP हैं। और पिछले बार भी हम लोग ने 4 नए मेंबर जोड़े थे। वो बहुत एक्टिव मेंबर हैं और बहुत सहयोग कर रहे हैं। और इस बार भी हम लोग ने बहुत अच्छे 4 मेंबर जैसे डॉक्टर GL दीक्षित जी और उसके अलावा प्रवीण रस्तोगी जी जो रुद्रा इम्पीरियल रिसोर्ट के ओनर हैं वो भी हमारे इस बार मेंबर बने हैं। नीरज अग्निहोत्री जी बहुत पुराने JCs के हमारे साथी थे वो बने हैं। प्रियदर्शन मेहरोत्रा जी ये भी हमारे सहपाठी रहे हैं। ये इस साल 4 हम लोग ने और नए मेंबर बनाए हैं। अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग 4 और बनाए मेंबर। तो देखिए रोटरी का महत्व आपने समझा और रोटरी ने इंटरनेशनल स्तर पर क्या कुछ किया है उसको भी जाना और सीतापुर में अभी रोटरी और आगे क्या करने जा रहा है ये भी बताया गया। तो फिलहाल आज एक बड़ी बैठक हुई और बैठक में जो है ये पदाधिकारी आए हुए थे। नए कार्यकारिणी का गठन हुआ और अपनी प्राथमिकताओं को भी रखा गया है। सीतापुर में आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।